आज इतना प्यारा मौसम हो रहा है ना, देखो बादल, देखो आसमान, देखो पीछे हरा भरा देखो, क्योंकि आज आने वाली है धूप, वहाँ से धूप आने वाली है। और अभी मैं जा रहा हूँ सिलेंडर लेने नीचे, क्योंकि आज सिलेंडर आ रहा है ना। और वैसे भी असूज के महीने से पहले लोग ना सिलेंडर लेके रख देते हैं, क्योंकि असूज के टाइम में ना बहुत काम होता है लोगों के पास। हमारे इतना है नहीं काम, क्योंकि हमारे पास गाय बछड़ी कुछ नहीं अभी, मतलब हमने रखी ही नहीं है तो बस। और आई एम पुनीत बिस्सा एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो होप सभी बढ़िया होंगे, सबका दिन अच्छा ही जा रहा होगा, मेरा भी अच्छा ही जाए। बाकी अभी चलता हूँ मैं नीचे सिलेंडर लेने, तो और चलते हैं बात करेंगे फिर। तो भाई मैं तो निकल चुका हूँ सिलेंडर लेके, तो अभी ये तो खाली है, तो ये कम से कम 15 किलो 600 ग्राम होता है, भरने के बाद ये 30-40 तो हो ही जाता होगा। बाकी पता नहीं कब तक आएगा सिलेंडर का ट्रक, तो अभी हम निकल चुके हैं। जिमी आजा आजा, और किसी ने बोला, खैर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बट किसी ने मेरे को बोला कि भाई पहाड़ में जिम क्या जरूरत, तुम पहाड़ी तो ही नहीं फिट रहती, मतलब है ना, समझो। तो यार फिट तो हम वैसे ही हैं, तो मैं ये बोल रहा था, तो फिट तो हम वैसे ही रहते हैं पहाड़ी लोग, क्योंकि हमारा हमारी मेहनत बहुत होती है। तो जिम हम बताओ क्यों जाते हैं, जिम जाया जाता है बॉडी बनाने के लिए, नॉट फिट होने के लिए। फिट बंदा वैसे ही होता है, हमें फिट होने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ जाते हैं बॉडी बनाने के लिए। जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना, वो एक शेप ले लेना, तो वो ज़्यादा बेटर लगता है। अगर तुम फिट हो और तुम्हारी बॉडी भी अच्छी हो ना, तो उसमें मज़ा है, समझ लो। तो फिट तो हम ऑलरेडी हैं, क्योंकि लोगों की जो ट्रैकिंग होती है वो हमारे घर के रास्ते होते हैं, समझ रहे, और हम वैसे ही फिट हो जाते हैं। तो जिम बॉडी बनाने के लिए जाया जाता है, फिट होने के लिए नहीं। खैर सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है, बट मेरी फिट और बॉडी में ये डेफिनेशन है कि फिट बंदा पहले से ही होता है, मतलब जो काम कर ले, मतलब कर्मठ बोलते हैं ना जिसे हम। अभी पहुंच चुका मैं रोड पे, अब करते हैं हम ट्रक का वेट। और जो मैं कह रहा था ना, फिट इंसान और बॉडी में क्या फ़र्क होता है, फिट इंसान को अगर तुम बोलोगे ना, एग्जांपल इसी के ले लो, सिलेंडर को बोलूँगा मैं कि भर 15 किलो, ये रहा भरने के बाद ये 30-40 तक तो पहुँच ही जाता है, उसके बाद ही सिलेंडर को यहाँ से 250 ऊपर लेके जाना है। तो बॉडी वाला इंसान ना इतना नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि वो जिम में ना जो 50 किलो के डम्बल उठते हैं ना, उनमें और वो एक जगह पे रख के आराम से उठता है, बट इसमें अपने पैर भी चलेंगे, कंधे में भी सामान होगा, ऊपर भी चढ़ना है, तो ये इसमें फ़र्क पड़ जाता है। तो इसलिए फिट होना और बॉडी होने में फ़र्क है। तो हम फिट हैं, बट हम जिम बॉडी बनाने जा रहे हैं, ताकि एक शेप रहे तो अच्छा लगता है, समझ गए, थोड़ा तो यूज़ करा करो, बाकी तो सब बढ़िया है। अब वेट करते हैं सिलेंडर का, अभी मैं ही आ रहा हूँ, क्योंकि सारे गांव वाले शायद ला चुके हैं। और तो भाई 2 घंटे बाद आया सिलेंडर, मैं कब से आ रहा हूँ यहाँ पर, 1 घंटा 40-50 मिनट, मतलब 2 घंटे मान के चलो, अब आ रहा है सिलेंडर। सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, आधे रास्ते तक लेके आ चुका हूँ, मतलब बोले तो अपने डांग तक, डांग बोले तो जो अपने गांव का गेट होता है उसे हम डांग बोलते हैं, तो डांग तक ले जा सकूँ, वो रहा मेरा घर, वहाँ तक ले जाना बाकी रह रहा है। चलो ले जाते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, फिर दुकान चलूँगा। सोच रहा हूँ बाइक धुलवा देता हूँ, देखते हैं अभी क्या करता हूँ, बैठ जा के भाई इतना भारी हो जाते ने। Let's go.
तो वही अब करते हैं हम अपना नाश्ता। ये रही मेरी चाय, ये रही सब्जियाँ, ये रोटी, ये घी। टाइम हो चुका अभी 9 बजे, नाश्ता करते फिर चलते हैं। इंचेस लेते हो, मैं निकल जाऊंगा घर से और मेरे कंधे पे ना सरसों है तो इसे दुकान वाले को देना और इसके बदले सरसों का तेल लेके आना। नाइस। बाकी घर के लिए राशन लेके आनी मेरे को और क्या काम है, बाकी शाम को भी लेके आऊँगा। मतलब अभी बैज रोज जा रहा हूँ, शाम को जाऊँगा सीसी। अभी मैं आ चुका हूँ अपने पनेरे में पानी पीने का। अब मैं निकल चुका हूँ स्कूटी लेके, क्योंकि इकट्ठा था ना तो बाइक में ले जाना बेकार था, क्योंकि और सामान भी लाना है तो नहीं। ए बकरा ओ, ए बरा हर चिगनी मेरा हर चिगनी। अब आप बोल रहे होंगे मैं बैजरो गया था माल सामान लेने और कहाँ दुकान में बैठ गया। वो ये कि वहाँ हो रही थी भीड़ और पापा जी को जाना था कहीं काम पे, मतलब जहाँ काम चल रहा है वहाँ जाना था साइट पे, और तो स्कूटी चाहिए थी। मैं बाइक लेके नहीं गया था क्योंकि स्कूटी में सामान आ जाता और बाइक में नहीं आ पाता क्योंकि ज़्यादा सामान था, तो मैं स्कूटी लेके गया था। फिर पापा ने बोला कि मेरे को जाना है तो मैं आ गया। मैंने जो लिस्ट थी सामान की वो मैं उन्हें दे के आ गया। मैंने कहा ये सामान निकाल देना, बाद में आ जाऊँगा मैं, तो अगर अभी पापा आते हैं तब अभी जाऊंगा सामान लेने। बाकी अभी अपनी दुकान में बैठ रहे हैं, हम दुकानदारी कर रहे हैं और मौसम तो बहुत प्यारा हो रहा है। So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new। ऐसे ही बैठ रखा था मैं बाहर पे ही, तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ दोस्त का, वो आएगा फिर जाऊंगा जिम। तो आज करूंगा मैं बैक एक्सरसाइज, मतलब समझे आज बैक एक्सरसाइज करेंगे। अभी मतलब अभी मैं सिर्फ एक ही उसमें ध्यान दे रहा हूँ, मतलब अगर मैं चेस्ट कर रहा हूँ तो सिर्फ चेस्ट ही मार रहा हूँ, मतलब डबल नहीं मार रहा हूँ, मतलब कि चेस्ट और बाई चेस्ट मिक्स करके ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। अभी सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान दे रहा हूँ, चेस्ट मार रहा हूँ। तो एक दिन मैं चेस्ट, अगले दिन बाई चेस्ट साथ चल रहा है, बाकी ऐसे ही चल रहा है। तो अभी मेरा वेट था 59 के आसपास था, तो अभी मैंने गेन करा है, मेरा वेट हो चुका है 65, मतलब मैंने बहुत वेट गेन कर लिया। तो मैं इसे मतलब 70 तक करूँगा, 5 किलो और बढ़ाना है मेरे को बस। जब मैं 70 कर दूँगा अपना वेट, उसके बाद मैं मतलब उसके बाद डबल मेहनत करके फिर उसमें कटिंग में ध्यान देंगे, तब प्रोटीन वगैरह देखूँगा प्रोटीन लेने का। बट अभी प्रोटीन नहीं चल रहा है, अभी सिर्फ मैं एक मास गेनर ले रहा था उनका, तो वो ले रहा हूँ मैं अभी, और बाकी जो डाइट होती है वो ले रहे हैं। बाकी डाइट में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ मतलब होल्ड कर रखा है कि ये चीज़ नहीं खानी, मैं सब कुछ खा रहा हूँ, जो मिल रहा है खा दो नहीं सोच रहा अभी मैं, क्योंकि अपने मेरे को 70 वेट करना है अपना। 70 के बाद थोड़ा कटिंग में ध्यान देंगे, उसके बाद करूँगा मैं जो करूँगा। वैसे 70 में सोच रहा कि 70 हिट करके उसके बाद कटिंग करूँगा, बट देखता हूँ अगर मेरे को अपनी बॉडी पर उतना नहीं लगा तो 70 के आगे भी बढ़ा सकता हूँ क्योंकि मेरे को ना बल्क बॉडी ज़्यादा पसंद है। लीन में मेरे को ना फील नहीं, मतलब लीन में वो मज़ा नहीं आता जो बल्क में आता है। तो अगर बल्क शरीर हो जाएगा तो उसके बाद जो कटिंग लाने में मतलब जो शरीर होगा, जो कोशिश तो वही कर रहा हूँ कि वो करूँ मैं अभी, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है अगर कंटिन्यू करी मैंने जिम, क्योंकि मैं कभी इधर घूमने चले जाता हूँ कभी कहीं और चले जाता हूँ तो ऐसी की तैसी हो जाती है उस समय। बाकी देखेंगे, कोशिश तो करेंगे कि हाँ अब बना ले शरीर को, शरीर में ध्यान देंगे। ठीक है, बाकी मौसम बहुत प्यारा हो रहा हमारे यहाँ, अरे इतना मतलब हवा चल, मतलब ठंड सी लग रही है। तो अभी मस्त ठंड भी लग रही है, अच्छा भी लग रहा है, मजे। बारिश ना हो बस, अभी बता रही है कि एक दो दिन बारिश हो सकती है, तो देखते हैं बारिश का। अभी चलेंगे थोड़ी देर बाद जिम, वहाँ दिखाएंगे, बट उस समय हो। अभी मैं जिम का ज़्यादा ब्लॉग इसलिए नहीं बना पाता, एक तो भीड़ हो जाती है, जिम थोड़ी छोटी भी है, भीड़ हो जाती है, फिर उसके बाद लोग खिच हो जाता है वहाँ पे, तो इतना नहीं हो पाता कि वीडियो बनाऊँ मैं आपको ढंग से दिखाऊँ।
बाकी लाइट लुइट की तो वहाँ पे है नहीं इतना कि लाइट भी सही हो, ठीक है। बाकी अभी मैंने वीडियो अपलोड में लगा रखी थी तो 90% हो चुकी है अपलोड, 10% रह रहा है, जल्दी जल्दी हो जाए फिर उसके बाद अभी डाल दूंगा व्लॉग को, ठीक है। तो जाके व्लॉग देखना, और जो भी नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना, ताकि क्योंकि मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं है कि कब डालूंगा व्लॉग, क्योंकि मेरा ऊपर नीचे हो ही जाता है कुछ, कभी ना कभी कुछ मैं सोचता हूँ कि टाइम बना दूंगा बट टाइम नहीं हो पाता एक, तो बेल आइकन ज़रूर दबा देना, जब भी व्लॉग डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ जाएगा, तो नीचे लाल बटन है उसे दबा दो, दबा दो। मिलते हैं आपको फिर थोड़ी देर बाद। और अभी मैं घर पहुंच चुका हूं जिम से आने के बाद, मम्मी तम्बाकू भर रही है तो भाई अभी खा चुका हूं खाना और अब मैं दूंगा बर्तन। अभी मैंने बर्तन भी धो दिए और ब्लॉग भी, मतलब मेरा ब्लॉग ख़त्म होने वाला है, मतलब ये जो शूट कर रहा हूँ ना अभी इसे फिर यहाँ लैपटॉप में डाल के ख़त्म कर दूँगा, बाकी तो सब बढ़िया। और जैसे मैंने बताया ना मैं गेम कर रहा हूँ तो अभी मेरा पेट ना बाहर जा रहा है, मतलब इसे कम करने में ना फिर को पता कितनी मेहनत करने वाली है, बाइक तो ठीक है। शेयर जरूर करना और फेसबुक पे भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो वहाँ भी जाके पेज को लाइक कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी करना ठीक है। मिलते आपको फिर अगले ब्लॉग में और जल्दी से, मतलब सब्सक्राइबर मेरे मतलब बहुत टाइम से बहुत होल्ड हो रही है, बढ़ नहीं रहे, जल्दी जल्दी हो जाए तो। और आने वाले में मतलब मेरा कुछ प्लान है कहीं जाने का, वो बताऊँगा जब हो जाएगा एकदम की जाने तब बताऊंगा वो चीज़ अभी।
मिलते हैं आपको, बाय।